देखिए मेरी फिल्म तो हिट हो गई थी. यू कैन बी डिप्लोमेटिक. आरआरआर भी हिट हो गई थी और दृश्यम भी हिट हो गई थी. तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्में चल रही हैं और अच्छी कहानियां लोग पसंद कर रहे हैं और लोग थिएटर जा रहे हैं वापस, तो वही बहुत बड़ा चैलेंज है और अच्छा है. क्योंकि कोविड के बाद लोग थिएटर्स जाने से डरते थे. अगर आप घर में बड़े लोगों के साथ रहते थे तो आप भी डरते थे सोच के, यू नो, इज इट सेफ. बट दैट ऑल चेंज्ड आरआरआर के साथ, दृश्यम के साथ. एंड आई थिंक इट्स अ चेंजिंग टाइम राइट नाउ. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है. क्योंकि आप 2-3 साल थिएटर नहीं गए और अब लोग फिल्में थिएटर वापस जा रहे हैं. सो पीपल एज फिल्म मेकर ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एंड ऑल्सो अ बिग शिफ्ट दैट इज हैपेंड इज, चाहे बड़ा स्टार हो या बड़े डायरेक्टर हो, आई थिंक स्टोरी हैज़ बिकम अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग. स्टोरी टेलिंग किस तरह से है, स्क्रिप्ट क्या है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं किसी डायरेक्टर से मिली थी, उनका तो उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है क्योंकि यू नो इट्स चैलेंजिंग अस. तो अगर हमारी फिल्में चल रही है या नहीं चल रही हैं वो बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात ये है कि हम हमें सीखने को मिल रहा है कि हम कैसे कुछ और नया करें. आई थिंक दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग. आई थिंक व्हाट हैपेंड ओटीटी के चलते क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि आप डरते थे किसी और लैंग्वेज को की फिल्म देखने में कि समझ आएगी कि नहीं आएगी. मगर जब आप कोविड में बैठे थे, एक साल आपने पूरी अपनी जितनी देखनी थी देख ली, अब दूसरे साल क्या करें, चलो हम दूसरी लैंग्वेजेस देखते हैं. अच्छा हाँ, ये फलाना एक्टर तो अच्छा काम करता है, इसकी एक और देखते हैं. पहले क्या होता था, कहें ना कहें पायरेटेड फिल्म देखनी पड़ती थी. अब वो आप लीगली ओटीटी पे देख रहे हैं. फिर आप ऐसे करते करते यू स्टार्ट यू नो अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ सिनेमा जो बन रहा है भारत में, जो आपको मालूम नहीं था क्योंकि आप सिर्फ जो आपके थिएटर में फिल्में लगती थी वही देखते थे. सो दैट्स वाई योर रीच इज़ देयर. और जो कई बार जो डब फिल्में आती थी जो लोग देखते थे, उसकी क्वालिटी कभी अच्छी होती थी या नहीं होती थी. बट हियर विद इंग्लिश सबटाइटल्स और आपकी लैंग्वेज सबटाइटल्स देख के you really start loving that film. So I think what has happened today is language is not a barrier anymore. Agar aap wohi agar Pushpa bhi aap dekhoge aur aap dekhoge wo koi aur film agar wo achhi bani hai, Brahmastra, to bhi aap dekhoge aur har language mein dekhoge, to usko koi farak nahi padta ki kaun si bhasha mein ye film bani hai ya us actor kaun si bhasha ka. Amar Ujala ab aapke TV par bhi. अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में. और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर. अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर.